आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नक्सलवादियों के प्रेशर बम की चपेट में आकर दोनों आंखों और एक पैर गंवा चुके 21 वर्षीय युवक राहुल की आंखों को बचाने की पुरजोर कोशिश जारी है। बस्तर के लोगों ने आपस में मिलकर 3 लाख रुपए जमा कर राहुल का इलाज कराने का प्रयास किया है। नक्सलवादियों की क्रूरता का प्रतीक बन चुके राहुल को लेकर समाज का इस तरह एकत्र हो जाना एक नई आशा जगाता है। राहुल को रायपुर के नेत्र विशेषज्ञ के पास भेजा गया। एक छोटी सी उम्मीद अभी बाकी है कि उसकी आंखों को किसी तरह ठीक कराया जा सके। इसी माह 14 तारीख को जानवर चराने गए राहुल का पैर नक्सलवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी प्रेशर बम पर पड़ गया था। इस ब्लास्ट में बहुत सारी चोटों के साथ उसका एक पैर और दोनों आंखें बर्बाद हो चुकी हैं। अब तक 100 से अधिक ग्रामीण और फोर्स के जवान प्रेशर बम की चपेट में आकर या तो मारे गए हैं अथवा अपने पैर हाथ गंवा चुके हैं। राहुल नक्सलवादियों की क्रूरता की जिंदा तस्वीर बनकर उभरा है। उसकी मासूम बातें हृदय को भीतर तक भेद जाती हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।